हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जसोल को श्रद्धांजलि देने भाजपा व कांग्रेस नेताओं का उमड़ा हुजूम, शोक सभा में शामिल हुए परिजनों को बंधाया ढांढस। जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई भाजपा व कांग्रेस नेता गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके पाबूपुरा स्थित फार्म हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने दिव्यांगत जसोल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। केंद्रीय मंत्री शेखावत सुबह दिल्ली से संपर्क क्रांति से जोधपुर पहुंचे, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी आज ही जोधपुर आए। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पाबूपुरा स्थित उनके फार्म हाउस पर गए। उन्होंने जसोल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और उनके पुत्र पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। इसी प्रकार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता, प्रदेश मंत्री के विशोई, जोधपुर प्रभारी वासुदेव देवनानी, प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी जसोल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व सांसद चंद्रेश कुमारी, मंत्री टीका राम, विधायक महेंद्र विशोई ने भी जसोल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उनके पुत्र पूर्व सांसद महेंद्र सिंह से मिलकर संवेदना व्यक्त की। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम व पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने भी आज जोधपुर पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे जयपुर से सड़क मार्ग से जोधपुर आए, वहां पाबूपुरा स्थित जसोल के फार्म हाउस पहुंचे और वहां दिव्यंगत नेता की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनके पुत्र महेंद्र सिंह जसोल से मुलाकात कर शोक जताया। सचिन पायलट के साथ दीपेंद्र सिंह शेखावत, हेमाराम चौधरी, राम नारायण डोडी, राजेंद्र चौधरी सहित कई नेता थे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।